हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की वीडियो रिलेटेड है एक प्रॉब्लम से जो कि बहुत सारे यूजर फेस करें। तो लिखा था, डियर कस्टमर, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग टू अकाउंट हैज बीन रिसीव्ड एट द ब्रांच, ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए, आज की वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल जी रूटीन इन्फिनिटी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी अपने अकाउंट में कुछ ऐसी रिक्वेस्ट करते हो, जैसे आप अपने जो SBI का अकाउंट है, आप उसमें KYC अपडेट करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट उनको भेजते हो, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जो कन्फर्म के लिए एक मैसेज आ जाता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट आपने जो भी करी है अपने अकाउंट में, वो आपकी रिसीव हो चुकी है आपके ब्रांच में। और जब वो कन्फर्म हो जाएगी, आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, उसके कन्फर्मेशन में एक मैसेज आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको वेट करना है, पर आपने जो भी जैसे आपने मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट भरी होगी, तो वो भी आपकी यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। वैसे डिफरेंट टाइप्स की रिक्वेस्ट हो सकती है, तो उसके लिए इंडिकेशन के लिए एक मैसेज आता है। तो बहुत सारे यूजर इसको घबरा जाते हैं देख के, पर इसमें कुछ घबराने वाली चीज़ होती नहीं है। बस एक कन्फर्मेशन के लिए एक मैसेज वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में वो सेंड कर देते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनरीचेबल को सब्सक्राइब करें।